ऑपरेशन नटवरलाल। इस कोरोना काल में अगर आप भी मोबाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस मोबाइल से आप परेशान हो सकते हैं। साइबर ठग सीधा अब आपको निशाना बना रहे हैं। लखनऊ और गाजियाबाद में भी इसी तरह का वाकया सामने आया, जहां साइबर ठगों ने लाखों का गोलमाल किया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। साइबर वायरस से सावधान, कोरोना काल में साइबर जंजाल। राजधानी में घूम रहे साइबर ठग, लखनऊ के अमीरों सावधान रहना। अगर आपके बैंक खाते में पैसा है और आप सोचते हैं कि वो पैसा सुरक्षित है, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। प्रदेश में कई जगहों पर साइबर ठग घूम रहे हैं, जो आपके खाते की खुफिया जानकारी जुटाकर आपको चूना लगा सकते हैं। इस गिरोह ने लखनऊ में एक रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी को शिकार बनाया, 53 लाख की ठगी कर ली। हरकत में आई लखनऊ पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का सरगना प्रमोद बंडल उर्फ विजय है, जो यूपी समेत 10 राज्यों में वांटेड अपराधी है। झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये अपराधी ठगी कर चुके। साइबर वायरस से सावधान, कोरोना काल में साइबर जंजाल। राजधानी में घूम रहे साइबर ठग, लखनऊ के अमीरों सावधान रहना। अगर आपके बैंक खाते में पैसा है और आप सोचते हैं कि वो पैसा सुरक्षित है, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। प्रदेश में कई जगहों पर साइबर ठग घूम रहे हैं, जो आपके खाते की खुफिया जानकारी जुटाकर आपको चूना लगा सकते हैं। इस गिरोह ने लखनऊ में एक रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी को शिकार बनाया, 53 लाख की ठगी कर ली। हरकत में आई लखनऊ पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का सरगना प्रमोद बंडल उर्फ विजय है, जो यूपी समेत 10 राज्यों में वांटेड अपराधी है। झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये अपराधी ठगी कर चुके। साइबर वायरस से सावधान, कोरोना काल में साइबर जंजाल। राजधानी तो लखनऊ से ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ। साइबर साजिश से लखनऊ में सनसनी मच गई है, लेकिन इसी साइबर साजिश से हम आपको सावधान करने के लिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर कितनी ज्यादा जरूरी है कि आप सावधान रहिए। ऐसे जालसाज जो पल भर में आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, ऐसे जालसाज जो आपके अकाउंट की डिटेल मात्र से आपका अकाउंट साफ कर देंगे, आपकी वर्षों की मेहनत की जो कमाई है वो ये जालसाज पल भर में अपने खाते में कभी ट्रांसफर करा लेते हैं, कभी उसके नाम पर लोन ले लेते हैं, कभी उसके नाम की FD कराकर फिर उसको अलग अलग जरियों से अपने पास वो रकम ये हड़प लेते हैं। ऐसे साइबर ठगों का खुलासा किया गया है लखनऊ पुलिस की तरफ से, जिनके तार 10 राज्यों तक जुड़े थे, जो 10 राज्यों तक इस तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, लोगों को निशाना बनाकर उनसे उनकी बैंक डिटेल निकालकर उसके बाद ठगी करते थे। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए।